हेलो ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल्स, आई होप तुम लोग बहुत अच्छे होगे। हालांकि एक चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ की एडवांस बुकिंग। एडवांस बुकिंग इतनी ज्यादा लो है एज कंसिडर्ड इट्स बजट की भाई, जिसे मेकर्स ने चिल्ला चिल्ला के बताया था अनाउंसमेंट के टाइम पे कि भाई हम 350 करोड़ रुपए इसमें स्पेंड करने वाले हैं। इसे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन मूवी का टैग दिया गया था। इवन फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, जिन्होंने इससे पहले सलमान खान सर के साथ टाइगर जिंदा है एंड सुल्तान जैसी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्ट किया है, उनका ये कहना था कि भाई ये इंडिया की रियल एक्शन पिक्चर होगी एंड ये जब आएगी तो तहलका मचा देगी। बट ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी ज्यादा लो है एंड काफी से मतलब कि भाई बहुत ज्यादा ही लो है एज कंसीडर्ड इट्स बजट की। भाई 350 करोड़ रुपए बजट है एंड अभी तक फिल्म की अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है। एंड ये तो चलो छोड़ ही दो, 1.5 करोड़ तुम्हें ठीक ठाक ही नंबर लग रहा होगा भाई, क्योंकि लास्ट ईयर जब रानीगंज आई थी तो वो 2-3-4 करोड़ की ओपनिंग ही उसने ली थी। बट ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स रही यानी कि जवान, पठान एंड एनिमल, अगर तुम इनकी एडवांस बुकिंग कलेक्शंस को कंसीडर करने जाओगे तो ये कहीं पर भी स्टैंड भी नहीं कर रही है। एज लाइक कि भाई जवान ने 39 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग करी थी अपने फर्स्ट डे के लिए, वो भी एक नॉन हॉलीडे पिक्चर थी एंड यहाँ पे हम ईद भी कंसीडर करेंगे। ईद वाले टॉपिक पे बाद में आएंगे, पहले अगर एडवांस बुकिंग की तरफ चलें तो नेशनल चेंस में इस मूवी ने अभी तक मात्र 17,000 टिकट बेचे हैं। नेशनल चेंस तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि भाई पीवीआर आईनेक्स एंड सिनेपोलिस की चेंस को ही नेशनल चेंस कहते हैं हम लोग एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस के ओपनिंग डे के लिए। एज कंसीडर कि मैंने जवान की बात करी तो जवान ने 5,57,000 टिकट सिर्फ नेशनल चेंस से बेचे थे डे वन के लिए एंड ये बॉलीवुड का अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है नेशनल चेंस का कि सबसे ज्यादा टिकट किसी पिक्चर ने बेचे हो। सेकंड नंबर पर पठान स्टैंड करती है 5,55,000 टिकट्स के साथ एंड थर्ड नंबर पर लास्ट ईयर रिलीज हुई एनिमल, जिसने ऑलमोस्ट 4,50,000 टिकट बेचे थे सिर्फ और सिर्फ नेशनल चेंस से। 2019 में आई वॉर ने 4,10,000, टाइगर 3 जो की लास्ट ईयर आई थी उसने 3,50,000 टिकट बेचे, गदर 2 ने 2,74,000 एंड अभी कुछ महीने पहले आई फाइटर, जिसे लोगों ने कहा कि भाई इसने अंडर परफॉर्म किया है, उसने भी 1,40,000 के करीब नेशनल चेन से ही सिर्फ टिकट्स बेचे थे। फाइटर को तो छोड़ दो, उसका बजट बहुत ज्यादा था। तुम अजय देवगन सर की शैतान मूवी की बात कर लो तो 86,000 टिकट उसने बेचे थे जो कि इसी साल रिलीज हुई है एंड 14 करोड़ की उसने ओपनिंग ली थी। ये सब चीजें जब तुम कंसीडर करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग एक्चुअली में कितनी ज्यादा लो है। एंड उससे भी बड़ी बात की फिल्म जो है एक नेशनल हॉलीडे पे रिलीज हो रही है यानी कि ईद के दिन, एंड जब ईद की बात चल रही है तो वी नो कि भाई ईद इज डेडिकेटेड टू सलमान खान, हर साल वो कोई ना कोई पिक्चर लाते हैं। ये सिलसिला चालू हुआ था 2010 में दबंग फिल्म के साथ एंड उसकी तुम्हें ओपनिंग डे जरूर जानना चाहिए। फिल्म ने 14,30,00,000 रुपए की ओपनिंग ली थी अपने फर्स्ट डे पर 2010 में, यानी कि ऑलमोस्ट 14 साल पहले। 2014 में किक, जिसने 26 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली। 2015 में बजरंगी भाईजान 27 करोड़। 2016 में सुल्तान, जिसने 36 करोड़ की ओपनिंग ली थी एंड उसके बाद 2017 में ट्यूबलाइट, जो की मोस्ट ट्रोल्ड पिक्चर थी सलमान भाई की, उसने 21 करोड़ रुपए कमाए थे सिर्फ ईद वाले दिन पे ही। 2018 में रेस 3 मोस्ट ट्रोल्ड पिक्चर 29 करोड़ की ओपनिंग एंड 2019 में भारत, जिसने 42 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली कमाए थे ईद वाले दिन पे। ये रिकॉर्ड भी छोड़ के अगर हम पोस्ट पैंडेमिक की बात करें तो भाई लास्ट ईयर सलमान भाई की पिक्चर आई थी किसी का भाई किसी की जान, जिसकी जगह पहले टाइगर 3 आने वाली थी एंड टाइगर 3 को शिफ्ट करके इस पिक्चर को लाया गया था, जिसके कारण भाई फैंस पिक्चर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, चाहते ही नहीं थे कि ईद पे हम ये देखें। एंड ये ऐसी पिक्चर थी जिसमें डायरेक्टर का नाम ही इतना लीजेंडरी था कि सिर्फ और सिर्फ भाई के नाम पर ही पिक्चर जो चलनी थी, सबको पता है कि पिक्चर अच्छी नहीं होने वाली एंड सेम वही हुआ। फिल्म को ढेर सारा क्रिटिसिज्म मिला, फिर भी पिक्चर ने ओपनिंग ली थी 15 करोड़ रुपए की, ऑलमोस्ट सेम जैसा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए भी प्रेडिक्ट किया है कुछ ट्रेड एनालिस्ट ने। ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद तुम समझ सकते हो कि फिल्म के हालात कितने ज्यादा गिर चुके हैं एंड आई डोंट नो कि भाई इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल कहा जाए, फिल्म के डायरेक्टर को जिन्होंने एक्चुअली में इससे पहले अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाई हुई हैं एंड, या फिर फिल्म के एक्टर्स को, या फिर फिल्म की मार्केटिंग टीम को, प्रोडक्शन हाउस को, मैं किसे दोषी ठहराना चाहूँ आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फिल्म के लिए
पब्लिक के अंदर तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट है नहीं, हालांकि वो बात अलग है कि कंटेंट बहुत अच्छा निकल जाए एंड मे बी स्पॉट बुकिंग से अच्छा खासा इसे रिस्पॉन्स मिले। मूवी के लो बज के पीछे क्या रीजन हो सकता है इसके बारे में अपन एक और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए तुम इस वीडियो को भाई लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हालांकि मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाई इसे एक हेट वीडियो के तौर पर मत लेना, क्योंकि ये कोई ऐसा वीडियो नहीं जिसमें मैं हेट फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस वही फैक्ट बता रहा हूँ जो कि एक्चुअल में है एंड ये थोड़ा सा दुखद है, मुझे दुख हो रहा है अक्षय सर के लिए, इवन टाइगर श्रॉफ के लिए भी, कि उनका टैलेंट इस तरह से वेस्ट हो रहा है। खैर बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, उम्मीद करते हैं तुम्हें ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और बाकी हमेशा की तरह तुमसे प्यार तो मुझे है ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, ओके बाय, जय हिंद, लव यू ऑल ऑफ।